हेलो फ्रेंड्स, तो ये है 12th सिलेबस के लिए M1 का 5th चैप्टर वेक्टर्स। ये है पार्ट नंबर 6 फ्रॉम टेक्स्ट बुक में। ये पार्ट तुम्हारे लिए सेकंड थर्ड पार्ट में इंक्लूड है फ्रेंड्स, मैंने इसको अलग बनाया है। हाँ, देख लो, टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस आर नॉट सेपरेटली है, ये सेकंड थर्ड पार्ट में इंक्लूड क्वेश्चन है डॉट प्रोडक्ट में। दोस्तों ये पार्ट नंबर 6 है, पीरियड नंबर 14, इट इज ये 3D, ये जो पार्ट है यानी 6th पार्ट बिलोंग्स टू 3D पार्ट यानी 3-डायमेंशनल ज्योमेट्री। दोस्तों आप बहुत सारे क्वेश्चन है इस पार्ट, ये पार्ट से है। देखो दोस्तों, हाँ, क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज नंबर, दोस्तों यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर है 5.6, एक्सरसाइज नंबर है 5.6। हाँ देख लो दोस्तों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, 2 और 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, और अल्सो थ्योरम्स भी है हमारे पास इस पार्ट के लिए दोस्तों। तो देख लो दोस्तों, ये फर्स्ट वन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लो दोस्तों, इफ अ वेक्टर हैज डायरेक्शन एंगल्स, देख लो फ्रेंड्स, डायरेक्शन एंगल्स, वेक्टर हैज डायरेक्शन एंगल्स 45° एंड 60°, फाइंड डायरेक्शन एंगल ऑफ थर्ड एक्सिस। हाँ देख लो दोस्तों, थर्ड एक्सिस के लिए, थर्ड एक्सिस देख लो फ्रेंड, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देख लो, यू नो वेरी वेल, डायरेक्शन एंगल्स 45 एंड 60° 2 आर गिवन, ये थर्ड होना हमें, यू नो वेरी वेल। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए हमारे पास 3D के लिए 3 एक्सिस एक्स वाई एंड जेड एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो दोस्तों क्या ही है, लेट अल्फा इक्वल टू 45°, बीटा इक्वल टू 60° एंड गामा, अल्फा बीटा गामा, अगर तुम्हें पॉसिबल नहीं तो यू कैन टेक डायरेक्टली दोस्तों, क्या ही है, अल्फा बीटा एंड गामा क्या है दोस्तों, देख लो, बी द डायरेक्शन एंगल्स, देख लो फ्रेंड्स, बी द डायरेक्शन एंगल्स मेड बाय वेक्टर विथ कोऑर्डिनेट एक्सेस, देख लो, कोऑर्डिनेट एक्सेस, हाँ देख लो फ्रेंड्स, अल्फा बीटा एंड गामा, देख लो, अल्फा बीटा एंड गामा, बी द क्या ये, बी द डायरेक्शन एंगल्स मेड बाय वेक्टर यानी 9 विथ कोऑर्डिनेट एक्सेस। हाँ क्या है दोस्तों हमारे पास, हाँ अल्फा, अल्फा यानी 45°, बीटा, बीटा यानी 60°, वी डोंट नो गामा, सपोज थर्ड एक्सिस यानी सपोज गामा। हाँ देख लो फ्रेंड्स, हाँ यू नो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वी नो, हाँ क्या है दोस्तों, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। हाँ क्या है फ्रेंड्स, देख लो, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। हाँ क्या है दोस्तों, ये कॉस स्क्वायर अल्फा, अल्फा यानी 45°, कॉस स्क्वायर बीटा यानी 60° प्लस कॉस स्क्वायर गामा है कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। हाँ कॉस 45 दोस्तों 1/√2 का स्क्वायर, कॉस 60 यू नो वेरी वेल, √3/2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। हाँ क्या है दोस्तों, देख लो, ये कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 - 1/√2 का स्क्वायर यानी 1/2, √3/2 का स्क्वायर यानी 3/4 है। तो क्या है दोस्तों, ये 4 है, ये 4 होना, यहाँ पर नीचे 4, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 4 होना था, नीचे 4 होना है, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई, ये क्या है दोस्तों 2 है, हमें 4 होना, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, -4 कैंसिल है, इतना है दोस्तों 4 - 2 - 1 यानी व्हाट, 1/4। हाँ क्या है हमारे लिए दोस्तों, कॉस गामा इक्वल टू +-1/2 है, यू नो वेरी वेल, कॉस गामा इक्वल टू +-1/2 क्या है दोस्तों, +1/2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, +1/2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी 60° है,
और -1/2 यानी सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड के लिए क्या है दोस्तों 120 डिग्री, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 60 और सेकंड में 60 यानी 120 डिग्री। तो दोस्तों ये है एंगल मेड बाय यानी डायरेक्शन एंगल ऑफ थर्ड एक्सिस है हमारे पास 60 डिग्री और 120 डिग्री दोस्तों। तो ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दोस्तों। हाँ देन सेकंड के लिए आओ, देन क्वेश्चन नंबर सेकंड दोस्तों देख लो। हाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड ये पीरियड के लिए ओनली 2 मार्क्स के क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इजी है, देख लो, यू शुड नो, सिमिलरली यू हैव टू डू फॉर होमवर्क। हाँ देख लो दोस्तों, हाँ ये सेकंड वन क्या है हमारे पास, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस, देख लो दोस्तों, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लो, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन which bisect the angle between positive direction of y and z axis। क्या दोस्तों देख लो, डायरेक्शन कोसाइन यानी cos alpha cos beta cos gamma होना, which bisects the angle between positive direction of y and z axis, direction cosine के लिए हमें angle होना, angle यानी क्या है दोस्तों, you know very well, let alpha beta and gamma be the क्या है दोस्तों, be the direction angles made by line with क्या है दोस्तों देख लो, पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सेस। हाँ देख लो फ्रेंड्स क्या है ये, वाई और झेड एक्सेस, यू नो वेरी वेल बोथ एक्सेस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना, वाई एंड झेड में एंगल कितना होता है दोस्तों ईच, है ना, ऑल ऑफ द थ्री एक्सेस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी वाई और झेड में का एंगल कितना होता है 90, लेकिन कैसा एंगल ये बाइसेक्ट है, बाइसेक्ट यानी व्हाट, वाई और झेड के लिए, यानी क्या है ये बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 45 दोस्तों, एंगल बिटवीन वाई एंड झेड कितना है 90 डिग्री, लेकिन क्या होता है ये बाइसेक्ट होता है, बाइसेक्ट यानी 45 देन हमें क्या होगा, बीटा और गामा है, अब अल्फा नहीं है, अल्फा इक्वल टू वी डोंट नो दोस्तों, देख लो, हाँ क्या है हमारे पास थ्योरम है, हमारे पास क्या है, वी नो कॉस स्क्वेयर अल्फा प्लस कॉस स्क्वेयर बीटा प्लस कॉस स्क्वेयर गामा इक्वल टू वन, हाँ क्या है दोस्तों, कॉस स्क्वेयर अल्फा कॉस स्क्वेयर क्या है ये 45 प्लस कॉस स्क्वेयर 45 इक्वल टू वन, हाँ क्या है ये कॉस स्क्वेयर अल्फा प्लस 45 यानी 1/√2 दोस्तों होल स्क्वेयर, 45 यानी 1/√2 होल स्क्वेयर इक्वल टू 1, हाँ क्या है ये कॉस स्क्वेयर अल्फा इक्वल टू 1 - 1/√2 का स्क्वेयर 1/2, 1/√2 का स्क्वेयर 1/2 है, 1/2 1/2 कितना ये 1 - 1 यानी क्या है दोस्तों 0, क्या है ये कॉस अल्फा इक्वल टू 0, हाँ क्या होना है दोस्तों डायरेक्शन कोसाइन है दोस्तों, देख लो डायरेक्शन कोसाइन, सुनो वेरी वेल, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन, हाँ यू शुड नो डायरेक्शन कोसाइन यानी क्या है हमारे पास, देख लो दोस्तों, हाँ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन देख लो दोस्तों क्या है, देयरफॉर हाँ डायरेक्शन कोसाइन यानी डीसी है, हाँ देख लो फ्रेंड्स क्या है, हाँ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन आ क्या है दोस्तों, कॉस अल्फा है कॉस बीटा एंड कॉस गामा, क्या है दोस्तों कॉस अल्फा, कॉस अल्फा क्या है ये
cos alpha यानी 0, cos beta, cos beta, beta कितना है, beta और gamma कितना है, 45 है, cos beta यानी 1 by root 2, और cos gamma यानी क्या है दोस्तों, 45 यानी 1 by root 2, you know very well, alpha यानी cos alpha ये 0 है, cos beta और cos gamma, beta gamma 45 है, ये cos 45 1 by root 2, और cos 45 1 by root 2, तो ये है हमारे लिए direction cosines of line, that was it, क्या है, हाँ तो ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड दोस्तों, देन थर्ड के लिए आओ, क्वेश्चन नंबर थर्ड, दीज क्वेश्चंस ओनली फॉर 2 मार्क्स दोस्तों, मे बी फॉर 1 मार्क्स, हाँ ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क्स के लिए, मिनिमम 1 मार्क के लिए कंपलसरी है, हाँ देख लो, हाँ नेक्स्ट दोस्तों, हाँ क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाँ क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लो फ्रेंड्स, क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड, शो दैट, क्या ये शो दैट देयर इज नो लाइन इन स्पेस कैन मेक एंगल्स पाई बाय 6 एंड पाई बाय 4 विथ, क्या है दोस्तों, एक्स एंड वाई एक्सिस, हाँ देख लो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाँ क्या ये एंगल्स यानी कंपल्सरी हमारे लिए दोस्तों, लेट अल्फा बीटा एंड गामा बीटा क्या है, बीटा डायरेक्शन एंगल्स मेड बाय लाइन विथ, क्या है दोस्तों, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस, क्या है दोस्तों देख लो फिर, हाँ क्या है हमारे पास, एक्स एक्सिस का एंगल पाई बाय 6, वाई के लिए पाई बाय 4, यानी अल्फा इक्वल टू पाई बाय 6, बीटा इक्वल टू पाई बाय 4, अब गामा वी डोंट नो, गामा नहीं है हमारे पास, हाँ देख लो हमारा थ्योरम कंपलसरी है, यू नो क्या है, यू नो वेरी वेल थ्योरम दोस्तों, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, हाँ तो क्या है दोस्तों, कॉस स्क्वायर अल्फा यानी व्हाट, ये है कॉस स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, हाँ पाई बाय 6 यानी दोस्तों रूट 3/2 होल स्क्वेयर, 5/4 यू नो वेरी वेल, 1/√2 होल स्क्वेयर प्लस क्या है दोस्तों, कॉस स्क्वेयर गामा इक्वल टू 1, हाँ फिर ये है कॉस स्क्वेयर गामा इक्वल टू 1 माइनस रूट 3/2 का स्क्वेयर 3/4 माइनस 1/√2 का स्क्वेयर 1/2 है दोस्तों, ये 4 है, 4 एलसीएम, ये 4 यहाँ पर 4 होना, नीचे 4 ऊपर 4 यानी 4 माइनस ये 4 है और 3 ये 2 है, हमें कितना होना एलसीएम 4 होना, यानी ऊपर नीचे 4 ऊपर 4 यानी यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, क्या है दोस्तों देख लो, ये कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना है दोस्तों, 4 माइनस 3 1 1 माइनस 3 यानी माइनस 1/4 नॉट इक्वल टू, क्या है दोस्तों ये कैसा है, निगेटिव है दोस्तों, नॉट पॉसिबल, ये नॉट इक्वल टू है, ये कैसा है दोस्तों, ये लेस देन 0 है, नॉट पॉसिबल, हाँ देर क्या ये दिस इज नॉट पॉसिबल दोस्तों, यानी देर क्या है दोस्तों, देर इज नो लाइन, ये पॉसिबल नहीं है, पॉजिटिव होना, स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर माइनस 1/2 स्क्वेयर कभी भी निगेटिव नहीं होता दोस्तों, तो कंपल्सरी क्या ये है, देर इज नो लाइन इन स्पेस विच कैन मेक एंगल्स पाई बाय 6 एंड पाई बाय 4 विथ एक्स एंड वाई एक्सिस, अगर ये फॉर्म में क्वेश्चन रहा तो दोस्तों मिनिमम 3 मार्क्स के लिए भी आ सकता, तो बहुत इजी और बहुत आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, यू शुड नो, ये देख लो केयरफुली देख लो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हाँ देन हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो दोस्तों, क्या ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी फोर्थ, देख लो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फोर,
क्वेश्चन नंबर फोर हमारे लिए देख लो फ्रेंड्स, क्या है फोर के लिए फोर्थ वन देख लो, फाइंड डायरेक्शन एंगल्स ऑफ टू आई प्लस जे प्लस टू के। क्या है दोस्तों देख लो, डायरेक्शन एंगल्स क्या है हमारे पास, क्या है दोस्तों देख लो, आर इक्वल टू क्या है टू आई प्लस जे प्लस के। क्या है दोस्तों मैग्नीट्यूड यू नो वॉट, क्या है दोस्तों देख लो, नॉट यानी वॉट अंडर रूट ऑफ यू नो एक्स स्क्वायर यानी टू का स्क्वायर फोर, वाई स्क्वायर यानी वन का स्क्वायर वन, झेड स्क्वायर यानी टू का स्क्वायर फोर यानी ये देख लो दोस्तों क्या है चलिए। देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर आर, क्या है दोस्तों टू वन टू है एबीसी, ये डायरेक्शन रेशियो, देयरफॉर डायरेक्शन को साइंस डीसीएस, डायरेक्शन को साइंस देख लो दोस्तों ऑफ वेक्टर आर आर गिवन बाय, देख लो दोस्तों डायरेक्शन को साइंस यानी यल यल इक्वल टू क्रॉस अल्फा, क्रॉस अल्फा यानी क्या है दोस्तों यू नो वेरी वेल ए बाय आर यानी टू बाय क्या है थ्री यू नो देन यम यम इक्वल क्या है दोस्तों क्रॉस बीटा, क्रॉस बीटा क्या है बी बाय आर, बी क्या है दोस्तों हमारे पास बी यानी वॉट वन बाय थ्री, और ये यम इक्वल टू क्रॉस क्या, क्रॉस क्या यानी क्या है दोस्तों सी बाय आर, सी यानी वॉट टू बाय थ्री, क्या है दोस्तों ये L, M, N, क्या है ये टू बाय थ्री वन बाय थ्री और टू बाय थ्री, देयरफॉर क्या है ये एंगल यानी क्रॉस इनवर्स ऑफ, क्या है दोस्तों हमें क्या होगा डायरेक्शन एंगल यानी अल्फा यू नो वेरी वेल, ये क्या है दोस्तों ये L, M, N यानी यू शुड नो L, M, N यानी क्या है दोस्तों क्रॉस अल्फा क्रॉस बीटा एंड क्रॉस गामा, हाँ तो फिर अल्फा इक्वल टू दोस्तों क्रॉस इनवर्स ऑफ क्या है ये टू बाय थ्री, देन बीटा इक्वल टू क्या है दोस्तों बीटा इक्वल टू क्रॉस इनवर्स ऑफ क्या है बीटा के लिए वन बाय थ्री, एंड गामा इक्वल क्या है दोस्तों लास्ट वन है ना क्या है क्रॉस इनवर्स ऑफ टू बाय थ्री, तो ये है अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू एंड गामा इक्वल टू, ये है डायरेक्शन एंगल्स ऑफ वेक्टर टू आई प्लस जे प्लस टू के। तो ये है दोस्तों क्वेश्चन नंबर फोर, बहुत इजी क्वेश्चन है ओनली फॉर वन और टू मार्क्स। देन फिफ्थ वन, देख लो फ्रेंड्स फिफ्थ क्वेश्चन फॉर यू, फिफ्थ क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत इजी है दोस्तों। देख लो दोस्तों, फिफ्थ वन फाइंड द डायरेक्शन, क्या है दोस्तों देख लो रेशियोज ऑफ वेक्टर परपेंडिकुलर टू लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियोज आर, डायरेक्शन रेशियोज आर टू वन माइनस वन एंड माइनस थ्री माइनस फोर वन। देख लो दोस्तों क्या है ये, फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर परपेंडिकुलर टू लाइन खुद डायरेक्शन रेशियो था, ये दो लाइन के डायरेक्शन रेशियो है, वी हैव टू फाइंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ थर्ड लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ लाइन। देख लो दोस्तों डेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बी द वेक्टर्स, देख लो फ्रेंड्स सपोज ये दो वेक्टर्स है, दो लाइन है, टू वेक्टर्स हुज डायरेक्शन रेशियोज आर, क्या है दोस्तों डायरेक्शन रेशियो क्या है वो देख लो, हमारे लिए डायरेक्शन रेशियोज आर माइनस टू वन माइनस टू एंड माइनस थ्री माइनस फोर वन रेस्पेक्टिवली। देख लो फ्रेंड्स बहुत इजी क्वेश्चन है, वी हैव टू फाइंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ लाइंस। पहला वेक्टर क्या है दोस्तों
माइनस टू आई है रेशो यानी जे और माइनस के। हाँ देन बी के लिए दोस्तों माइनस थ्री आई माइनस फोर जे प्लस के। हाँ क्या होगा दोस्तों हमें देयरफॉर वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी इज क्या है दोस्तों ए क्रॉस बी। हाँ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए क्रॉस बी। हाँ वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज ए क्रॉस बी। अब फिर क्या है दोस्तों देख लो ए क्रॉस बी क्या ये आई जे के सुनो वेरी वेल। ए के लिए क्या माइनस टू वन माइनस वन। हाँ बी के लिए दोस्तों बी के रेशियो माइनस थ्री माइनस फोर और वन आई। हाँ देख लो यू नो डिटर्जेंट छोड़ दो वन इंटू वन यानी वन माइनस 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 प्लस फोर। हाँ हाँ देख लो फ्रेंड्स माइनस छ। हाँ एक बीच का छोड़ दो क्या ये बीच वाला छोड़ दो दोस्तों। हाँ माइनस थ्री और ये माइनस फोर। हाँ क्या ये माइनस टू इंटू वन माइनस टू इंटू वन यानी माइनस टू माइनस ये क्या है दोस्तों माइनस माइनस प्लस थ्री यानी एल प्लस के। हाँ क्या है दोस्तों ये छोड़ दो टू इंटू फोर यानी एट माइनस माइनस थ्री माइनस माइनस क्या है दोस्तों प्लस थ्री। क्या है फिर दोस्तों देख लो ये माइनस थ्री आई हाँ माइनस माइनस प्लस फाइव जे और ये प्लस इलेवन के। तो ये है दोस्तों वेक्टर हमें क्या होना फाइंड द डायरेक्शन रेशियो है ना ये वेक्टर ये है तुम्हारे लिए दोस्तों ए क्रॉस बी। दिस इज द वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइन खुद रेशियोज आर है। तो फिर देयरफॉर क्या है दोस्तों ये डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर क्या है परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी क्या है दोस्तों माइनस थ्री फाइव एंड इलेवन। तो ये है हमारे लिए डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। हाँ देन दोस्तों नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देख लो दोस्तों ये फिफ्थ है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देख लो फिफ्थ वन नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। हाँ देख लो फ्रेंड फिफ्थ वन बहुत यानी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देख लो। सिक्स्थ वन दोस्तों देख लो क्या है फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन्स बिटवीन द लाइन्स हुज डायरेक्शन रेशियोज आर 5, 12, 13 एंड 3, माइनस 4, 5। हाँ देखो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमें क्या होना फाइंड द मेजर ऑफ एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन हुज रेशियोज आर दिस वन। बहुत इजी क्वेश्चन देखो दोस्तों लेट क्या है ए वन बी वन सी वन। हाँ देख लो ए वन बी वन सी वन क्या है ये ए वन बी वन सी वन 5, 12, माइनस 13 एंड ए टू बी टू सी टू 3 है माइनस 4 एंड 5। हाँ ए वन बी वन सी वन एंड ए टू बी टू सी टू देख लो दोस्तों। हाँ बी गॉट डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द देख लो दोस्तों ये है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन्स। हाँ क्या होना है मेजर ऑफ एक्यूट एंगल लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल देख लो फ्रेंड्स एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन्स हुज रेशियोज आर गिवन हुज डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन।
हाँ तो दोस्तों क्या है ये फॉर्मूला, एंगल बिटवीन द लाइंस, एंगल बिटवीन लाइन, एंगल बिटवीन द लाइंस व्हिच डायरेक्शन रेशियोज आर दिस वन, क्या है क्रॉस थीटा ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू आई बाय क्या है अंडर रूट ऑफ ए वन स्क्वेयर बी वन स्क्वेयर प्लस सी वन स्क्वेयर अंडर रूट ऑफ ए टू स्क्वेयर बी टू स्क्वेयर और ये सी टू स्क्वेयर यू नो बिलीव इट क्रॉस थीटा देखो आज फाइव इंटू थ्री यानी फिफ्टीन ट्वेल्व इंटू माइनस फोर फाइव इंटू थ्री फिफ्टीन ट्वेल्व इंटू माइनस फोर माइनस फोर्टी एट और फिफ्टीन इंटू थ्री माइनस क्या है दोस्तों प्लस माइनस माइनस सिक्सटी फाइव हाँ एट वो दोस्तों क्या है ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू देख लो फ्रेंड्स क्या है बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर ट्वेंटी फाइव बी स्क्वेयर ए वन स्क्वेयर बी वन स्क्वेयर सी वन स्क्वेयर वन फोर फोर प्लस वन सिक्स नाइन अंडर रूट ऑफ हाँ ए टू स्क्वेयर बी टू स्क्वेयर सी टू स्क्वेयर नाइन प्लस सिक्सटीन प्लस ट्वेंटी फाइव हाँ क्या है दोस्तों देख लो आज हाँ फिर क्या है ये माइनस फिफ्टी फोर्टी एट माइनस नाइनटी एट बाय क्या है दोस्तों थर्टीन है कितना ये फिफ्टी है ना ये है फिफ्टी यानी फाइव रूट टू दोस्तों है तो ये है तुम्हारे लिए दोस्तों एंगल क्या है ये माइनस पंद्रह यानी फिफ्टी और ये माइनस फिफ्टी फोर्टी यानी माइनस फोर्टी एट है तो ये है दोस्तों हमारे लिए थीटा इक्वल टू क्रॉस इनवर्स ऑफ माइनस नाइनटी एट बाय सिक्सटी फाइव रूट टू तो ये है हमारे लिए एंगल बिटवीन द लाइन्स दोस्तों तो ये है एंगल बिटवीन द लाइन तो डायरेक्शन रिसोर्स आर वन देखो दोस्तों क्या ये हो सकता है और कैंसल जो भी है तो ये है एंगल बिटवीन द लाइन्स थैंक यू दोस्तों प्रॉब्लम्स विल बी इन नेक्स्ट पार्ट तो दोस्तों ये है प्रॉब्लम नंबर सिक्स इसको हम सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों हाँ इसको यू कैन सॉल्व यानी ऐसा भी हो सकता है ये देख लो इफ यू वांट सॉल्व हो सकता है थीटा इक्वल टू क्रॉस इनवर्स ऑफ 98 रूट टू रैशनलाइजेशन दोस्तों 65 क्या ये इंटू टू रैशनलाइजेशन कितना ये 49 है थीटा इक्वल टू क्रॉस इनवर्स ऑफ 49 रूट टू बाय 65 तो ये हुआ तुम्हारे लिए दोस्तों रैशनलाइजेशन तो इन्हीं से हम यहां तक उसको सॉल्व कर सकते दोस्तों क्या है दोस्तों ये हाँ सॉरी ठीक है देखो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है कितना ये 169 प्लस क्या है सॉरी कितना था ये 169 इंटू टू यानी 338 दोस्तों देख लो फिर कितना ये देख लो थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पर 168 क्या है 169 यानी 13 रूट टू है दोस्तों अगेन क्या है ये सॉरी है फाइव रूट टू हाँ देख लो यहाँ पर क्या ये हाँ केयरफुली देख लो क्या ये कॉस इनवर्स ऑफ 98 बाय 65 रूट टू रूट टू कितना आ रहा है ये 49 देख लो क्रॉस इनवर्स ऑफ 49 बाय 65 थोड़ा सा मिस्टेक फॉर कैलकुलेशन में केयरफुली देख लो देयर आर थ्री मास्क प्रॉब्लम्स विल बी कंटिन्यूड इन योर नेक्स्ट पीरियड थैंक यू